अभी भी दिख रहा हूँ मुंडियों से। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आंचल्स प्लैनेट, एंड मैं हूँ आंचल। तो आई नो फ्रेंड्स, बहुत 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 टाइम बाद आपको देख रहे होंगे। ये हाँ, ये मेरे रूममेट्स, और आप कहीं भूल तो नहीं, ये तन्वी दीदी है और ये रितिका दीदी है। और फ्रेंड्स आज हाँ थोड़ा बन ठन के, ये पहले ये पता क्या हुआ है, कल पार्लर गई थी, नए नए पैसे भेजे थे घर वालों ने, तो अपर लिप्स करवाने गई थी वैक्स से, और ये हो गया। तो डोंट जज, ओके। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी, आज मौसम है, आज तारीख कैसे कैसे कितनी तारीख है, 31 है आज, 31 मार्च। और आज मैं और मेरे सारे गर्ल्स, हाँ तो तो आज मैं और मेरे सारे फ्रेंड्स है ना जा रहे हैं घूमने मॉल पे, और हमारे पास जगह नहीं है घूमने के लिए यहाँ पे। तो और मैंने पता क्यों नहीं बनाया व्लॉग इतने टाइम से, क्योंकि यार पता है क्या, कॉलेज और कॉलेज से जिम, ठीक है, यही रह गई थी जिंदगी मेरी इतने टाइम से, ठीक है। तो मैं ना बहुत बहुत थक गई थी, इसलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ शूज़ पहनने, और फिर जाते हैं चितवन के घर और देखते हैं वो रेडी है नहीं। और प्राची और महिमा जो मेरे और दोस्त है वो आ रहे टूटू से, तो उनको तो टाइम लगेगा अभी, ठीक है, जल्दी चलते हैं। और कितना गंदा लग रहा है, जज नहीं करना है। अच्छा नेल देखो, ये नेल पेंट लगाया है चितवन ने, थोड़ा जल्दी चलते चितवन के घर। तो फ्रेंड्स अब हम चितवन के घर पे पहुंच गए हैं, और अब देखते हैं चितवन रेडी है या नहीं। सीआईडी, हाय भाई साहब। तो फ्रेंड्स ये है चितवन भाई, तू कितनी सुंदर बन के घूम रही है। बारिश हो रही है पर बाहर, तो फ्रेंड्स चितवन जी को रेडी होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक हम, ये हुआ ही नहीं, ये देखो चितवन को उसके फैंसी फैंसी चीजें होती है। चितवन यार इसको गायब कर, अलग सा चमक रही हूँ मैं। और आप पता है फ्रेंड्स, ये सारी ना चितवन ने लगाई है मेरे को नेल पेंट, और सारी अलग अलग कलर की, इसके पास कम से कम 10-11 नेल पेंट है। और मैं ना जब, मेरे पास सिर्फ दो ही है, और जब मैं बैठती हूँ नेल पेंट लगाने, मेरे को ना नेल पेंट रिमूवर ज़्यादा यूज़ होता है नेल पेंट से ज़्यादा। मैं कर, अब आपको स्किल सिखाते हैं चितवन की, देखते हैं अगर हो जाएगा तो हो जाएगा। इतने को ये भरने में कितना टाइम लगा, बस यार भर गया, जोर से बोल तो सही दे दी, बहुत टाइम लगा, एक साल लगा, एक साल लगा था कोई बन, इतना फैंसी मिरर यार कहाँ गया है। घर आती ना तो सच में लगता है किसी लड़की के घर आई हूँ, मतलब अगर आप मेरे रूम में जाओगे ना, ऐसे कपड़े ना जो मेरे भाई और मैं दोनों पहन सकते हैं, और कुछ भी नहीं है, मतलब मेकअप के नाम पे एक लिपस्टिक है, यार आदत होगी, बहुत गंदी आदत होगी, मतलब मैं और तन्वी मजाक मजाक में लिपस्टिक बोलते हैं। इट वर्क्स। तो तन्वी और मैं ना लिपस्टिक लिपस्टिक बोलते हैं एक दूसरे को चढ़ाने के लिए, तो मुझे एक लिपस्टिक है और बस। चितवन का मुआ मेकअप आर्टिस्ट ऊपर। तो फ्रेंड्स चितवन और मैं भी हो गया रेडी, और यह चितवन का फाइनल लुक वो उधर दिख रही है आपको, और इधर मैं अभी ये थोड़ी अपनी ज्वेलरी वगैरह पहन रही है, ये पहन रही है, ये पूछ भी किस तरह है, जैसे बोल रहा मेरे को तो फैशन का सेंस ही नहीं है, मैं तो नॉन सेंस हूँ। ओ ये ज्यादा सुंदर है, देखो भाई चितवन पास देखो लड़कियों वाली चीज है भाई, चल यही पहना दे, कभी देखा आपने मेरे पास ऐसा, ये तो आठ दस माह अच्छा डॉक्टर ने मेरे हाथ देखने के शाने में तो फ्रेंड्स वैसे चितवन मेरे चितवन का रूम इधर, मेरा पीजी ये बिल्डिंग छोड़ गया, ठीक है, पर इसके यहाँ सीढ़ियाँ पता कितनी है, इतना मैं जिम में कार्डियो नहीं करती जितना इधर हो जाता चलने में सीढ़ियाँ।
अभी जाके सबसे पहले मास्क लेते हैं इसके लिए। और प्राची वगैरह भी जो हमारी बाकी दोस्त है वो भी आ गई होगी टूटू से, और अब वो फ़ोन करी कहाँ हो तुम फ्रेंड्स जल्दी आओ, तो जल्दी से चलते हैं। हाँ धूप आ गई, वैसे तो बारिश थी। कौन सीधे जाएंगे मॉल पे? सीधे मॉल पे कैसे जाएंगे? वो तो वो जाने पर हम टैक्सी में जा रहे हैं। मैं मेहनत नहीं कर सकते मॉल चढ़ने के। अब तो फ्रेंड मास्क ले तो लिया, बट अब आपको आवाज़ आ रही है मेरी वैसे? और जितु ने तो फ़ोन का कवर ले लिया। फ्रेंड्स चितवन और मैं ना टैक्सी का वेट कर रहे थे, तो हमको पता चला टैक्सी आई आती नहीं संडे को। भाई भूत जैसी भी लग रही, भाई सुंदर लग रही तो एक नंबर है। ठीक है तो अब हम जा रहे हैं, और प्राची वगैरह ना पहुँचने ही वाले ऑलमोस्ट, तो अब हम काइंड ऑफ लेट हैं, बट चलो अब मिलते हैं जब प्राची वगैरह मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स चितवन और मैं तो बहुत आलसी है, हम तो नहीं जा सकते पैदल बस स्टैंड से। मैंने पता क्या सोचा था, जिम जाने के बाद ना मैं बहुत ना वो जाऊंगी एक्टिव, पर अब तो यार मैं थकी होती हूँ या कहीं ना मतलब यू नो क्रैम्स पड़े होते हैं, तो या कोई फायदा नहीं हो। अब हाँ पतली हो गई हूँ अभी, जैसे दूसरी लिफ्ट फिर मॉल, और उधर प्राची बेसब्री से इंतजार कर रही है, चार पांच फोन आ गए। तो फ्रेंड्स इमीडिएटली प्राची ने बुलाया हमको, और वो बहुत ही स्ट्रेस्ड लग रही थी, और वैसे बोलती यार मेरे को किसी शो में खड़ा करा दिया। अब पता नहीं किस इन्फ्लुएंसर या किस शो वाले ने उसको पकड़ लिया। देखा प्राची की मॉडल वॉक को रिकग्निशन मिल ही गई। अब जल्दी चल के देखते क्या कर रही है उधर। तो फ्रेंड्स प्राची उस साइड आपको दिखेगी, रुको। वाओ प्राची भाई ये रियल हो यार, अभी क्या कर। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट डेमोंस्ट्रेशन, थैंक यू सो मच। ये देखो क्या पहली बार जो आपके डायलॉग हमारा इंसिडेंट से इम्प्रेस हो गए? अब मेरे YouTube का इसका कैप्शन पता क्या होगा? मेरी दोस्त बनी सुपर मॉडल। यार रोले पड़ रहे हैं, हम छाता जानबूझ के छोड़ के आए। यार सुन ना, रोले पड़ रहे हैं। चल मैं तेरे को कॉल कर रही हूँ उस टाइम, जल्दी चलते हैं सबसे पास है। कहाँ? 1873। हाँ ठीक है, पर बता पूछ सुविधा। सुन क्या हुआ, क्या हुआ, सुन क्या हुआ। मैं यार मेरा मजाक तो नहीं बन गया मजाक? अब तो देखो रोले गिरा क्या फोन में बात मत करो, आप फोन में बात करते करते भी कर सकते हो। भाई मानना ही नहीं, कहता हाँ आप ही आओ वहाँ आके मेरे आस पास आ गया। यार ये भी वो फोन गए की शो में फंस गई, बंद हो गए।
और फ्रेंड्स शिमला में ओलो का आतंक सुन चितवन सुन मैं खड़ी हूँ आया मेरे पास आप आतंक को ज्यादा ही हो गया फ्रेंड्स बहुत जोर से बज रहे हैं अब जल्दी से कहीं चलते हैं फिर भी देखो लोग लोग लगे अपने आराम से ये देखो मॉडल वो इसको जेड सिक्योरिटी दो प्लीज प्लीज यार थोड़ा डिस्टेंस प्लीज प्राची मामा आ रही है अब तो इसको पूरी 5 साल यही बोल के तंग करना है जोर की लग रही है तो गाइस ऑफिशियली इंजर्ड फॉर द 999th टाइम ओए आस्ते बोल मैम भाई आई एम गोइंग टू एयरपोर्ट द वेरी फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स काफ़ी बारिश थी इसीलिए ना हम लोग साइड में जाके छुप गए थे और अभी थोड़ा मौसम ठीक है इसीलिए अब हम जा रहे हैं मैकडी और उधर कुछ खाएंगे और खाएंगे और क्या करेंगे और वेट करेंगे मौसम साफ हो तब चलेंगे तो चलो और ये लोग पीछे देखो स्लो स्लो और ये मॉडल ये सेलिब्रिटी इतनी ठंड थी बाहर और इधर इतनी गर्मी ना अच्छा वैसे तो मैं सच में डाइटिंग पे थी ना काफी बट आज आज ना मतलब आज ना चीट डे है टोटली वर्थ इट इतनी ठंड में ना मैगी में अंदर इतनी गर्मी है ना इतने मजे आ रहे हैं निशान बहुत गंदे लग रहे हैं तो अब मिलते जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो फ्रेंड्स हमने खा तो लिया है ना पर अभी यहाँ पे फोटोज वगैरह सिलेक्ट हो रही है और इतनी ठंड और बारिश है ना बाहर हमको ना यहाँ से उठने का मन ही नहीं कर रहा ठीक है और पिक्चर्स आएंगे अगर आप फिर मेरे को पूछेंगे कि ये सुंदर लड़की कौन है इनको ब्लॉग में ऑल लिया करो तो ये चितवन है इंस्टाग्राम पे ढूंढ लो ठीक है और ये आपको ब्लॉग में दिखती रहेगी तो फ्रेंड्स फिर हम बाहर आ गए और फिर ना इतनी ठंड लग रही है इतनी ठंड लग रही है और अब आप सोच रहे होंगे ऐसे नेट पहन के आई तो अब यार सुबह मौसम अच्छा था सुबह मौसम बहुत अच्छा था हम जैसी चले वैसी बारिश लग गई तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते या तो फ्रेंड्स अब टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं और अब वैसे हम घर जाने वाले हैं बट हमने सोचा थोड़ा सा घूम लेते हैं लोअर बाजार साइड जाएंगे तुम क्यों हंस रहे हो और ये मॉडल ये तो पर आज तो आप भी बन गए अच्छा वहाँ पे स्टैंड भाई जब तो खड़ी दिखी थी मैं वहाँ पे मेरी ना आंखें चमक उठी आंसू थे मेरी आंख में मेरी दोस्त वो धोनी वाला सीन हो गया अभी ना लोअर बाजार जाके ना हमको थोड़ी शॉपिंग करनी है फिर मिलते हैं ठीक है Later. तो फ्रेंड्स अब टाइम हो रहा है 6:30 और अभी ना महिमा वगैरह और प्राची जा रहे हैं घर ऑफिस इनकी क्योंकि बस बहुत कम आती थी साइड की और मैं और चितवन का तो चल ही रहती है अभी तो काफ़ी सारी बसेस तो अब चलते हैं पीजी बंदी ना बस के सामने से आई है बीवी ने और कितने बुरे तरीके से कहा जब आप लोग कहेंगे तब चलेंगे क्या बोल रहा है तो ठीक है फिर ओके बाय 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 आराम से इसको प्राची इसको ध्यान से ले जाइए प्लीज ये बस के सामने आ जाती है कूद जाती है फ्रेंड्स चितवन जी और मैं पहुंच गए बालीगंज और अभी मेरे को रियलाइज हुआ मेरे पैर में ना खाने की खुशबू आ रही है मेरे को तो नहीं आ रही अच्छा अभी मेरे को रियलाइज हुआ मेरे पैर में ना राइट फुट में ना एंकल में बहुत गंदी दर्द हो रही है ठीक है मेरे को लगता है मैं कल गर्म पट्टी पहन के चप्पलों में स्कूल जाना पड़ना पिछली बार एक सर ने वाले को था तू क्यों बाथरूम वाली चप्पल पहन के आई हाय भैया है जी सेफ्टी सर बोलते कहाँ से जाना है सेफ्टी सर बोलते भाई
काट दूंगी मैं। सेठ टू सर बोलते एक दिन, ओए तू क्यों बाथरूम की चप्पल पहनी? तूने कब पहनी? सेकंड सेमेस्टर में। पैर में लग रहा था? हाँ पैर लगी थी। तो फ्रेंड्स अब जा रहे हैं हम पीजी और चितवन जी को वहीं ले जा रहे हैं और थोड़ी देर गप्पे मारने के बाद फिर हम वापस आएंगे। तो हाय फ्रेंड्स, अब टाइम हो रहा है 9:30 और हम खाना खा के आ गए थे और इतने दिन से ना व्लॉग नहीं बनाया तो आदत रह गई थी व्लॉग बनाने की। और अभी तो अभी फ्रेंड्स आपको दिखाती हूँ, मेरे रूम में ना स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, ठीक है, बाय तन्वी भारद्वाज जी। दिखाते आपको, ये देखो इनकी रजाई इधर है, इनका कंबल वगैरह उधर है और खुद उधर है। मतलब इनको ना ये तो कुछ नहीं है, कभी कभी रात को 2 बजे इनको क्रांति आती है, ये बैठते हैं अपनी अलमीरा अच्छे से सेट करने, बिल्कुल इधर से एक सामान उधर नहीं होता, ठीक है। और मैं ना आपको अपनी अलमीरा दिखा सकती है। कैसी तंजी मेरे अलमीरा के बारे में दो शब्द? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स यार, पता क्या सीन होता है, देखो सुबह जल्दी जाना होता है ना और फिर जिम जाना होता है, ये 2 जोड़ी कपड़े हैं जो इसके बाहर होते हैं, फिर भी पूरी अलमीरा गंदी होती है। गंदी नहीं होती है वो यार, कपड़े ज्यादा है, अलमीरा छोटी है, बात यह। तो जब आंचल चौहान जी अपना रूम रखेंगे तो अच्छा अच्छा, मतलब यू नो। तो गाइस यूट्यूब वालों, मेरे मम्मी को समझाओ कि मैं अकेले रूम का ध्यान रख सकती हूँ, फिर वो शायद मेरे को इंडिपेंडेंटली रूम रखने दे। उसके बाद ना आपको डेली व्लॉग के साथ साथ कुकिंग चैनल भी खोल दूंगी मैं एक, ठीक है। तो वीडियो करते यहीं पे एंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज थ्रेड से ही करवा दिया करो अपर लिप्स, ये मत किया करो यार, ठीक है। बाय बाय।